हेलो गाइस, वेलकम टू नईम इन लंदन। मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि लंदन कितना महंगा है, खाने का कितना पड़ता है, बस का किराया कितना है। तो हाँ, लंदन बहुत महंगा है, पर कई चीज़ों में सस्ता भी है। कुछ तो इतने सस्ते हैं कि इस प्राइस में तो इंडिया में भी ना मिले। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर। मैं लंदन के नॉर्मल प्राइसेस का इंडिया के कैपिटल दिल्ली के नॉर्मल प्राइसेस से कंपेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे आज मेरा जन्मदिन भी है तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और आपका ये सब्सक्राइब मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। इस वीडियो में हम आम आदमी को ध्यान में रखकर प्राइस का कंपेयर करेंगे, जिसे रोटी, कपड़ा और मकान की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी चीजों को तो वो सपने में देखकर काम चला ही लेते हैं, लेकिन पहले हम करेंसी को कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको रुपया और पाउंड्स का वैल्यू पता चल जाए। अभी इंडिया का लगभग 100 रुपया, मतलब इंग्लैंड का 1 पाउंड। इस 100 रुपये में आप दिल्ली में बस की सवारी कर सकते हैं, मेट्रो की सवारी कर सकते हैं, चाय या कॉफी पी सकते हैं, और भी थोड़े बहुत कुछ कर सकते हैं आप। यूके में 1 पाउंड में हम क्या कर सकते हैं? बस में ट्रेवल कर सकते हैं, नो मेट्रो में नो चाय या कॉफी पी सकते हैं, डेफिनेटली नॉट, एक टाइम का खाना, यू कांट इवन ड्रीम। तो क्या कर सकते हैं? यस, 1 पाउंड में आप खाने की जरूरी चीजें ले सकते हैं। यूके में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप देखें तो इंडिया से भी सस्ती है। हो सकता है आपको मजाक लगे, पर ये सही है। अब ये आपको तय करना है कि इंडिया महंगा हो गया या इंग्लैंड सस्ता। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया में महंगाई बढ़ी है, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया में महंगाई महंगाई नहीं बढ़ी है, ये बस मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। तो चलिए हम यहाँ सिर्फ खाने की जरूरी सामानों का कंपेयर करते हैं, लंदन वर्सेस दिल्ली। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ इस वक्त ब्रंसविक सेंटर पे, और ये एरिया जो है स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल है। यहाँ पे अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स रहते हैं। सामने देख रहे होंगे आप जो है ये ब्रंसविक सेंटर है, फिर यहाँ पे पार्क है, उसके अलावा यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया भी है। यहाँ हम देखेंगे जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर है, कि यहाँ जो नॉर्मल एसेंशियल फूड्स हैं, आटा, चावल, दाल, दूध, और फिर इसका हम कंपेयर करेंगे जो इंडियन प्राइसेस है उसके साथ, और फैसला आपको करना है। शुरुआत करते हैं आटा चावल से। अब अमीर गरीब सब यही तो खाते हैं। दिल्ली में 5 किलो आटे के बैग का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 199 रुपये। लंदन में आपको इसके लिए 345 रुपया पे करना होगा। 1 किलो बासमती राइस का मैक्सिमम रिटेल प्राइस 141 रुपये। यहाँ आप एज्ड बासमती राइस को 150 से लेकर 170 रुपये के बीच में आसानी से ले सकते हैं। 500 ग्राम मसूर की दाल 81 रुपये। लंदन में इसके लिए आपको 115 रुपये देना होगा। 1 केजी चना दाल 125 रुपये। 1 केजी चना दाल आप लंदन में 110 रुपये में ले सकते हो। तेल ने इन दिनों काफी नाम कमाया है इंडिया में, पर सुना है कि इसके प्राइस अब कुछ कम हो गए हैं। तो 1 केजी या 1 लीटर रिफाइंड ऑयल का मैक्सिमम प्राइस 160 रुपये। लंदन में ये आप 120 रुपये में भी ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल तो काफी हाई फाई लोगों का है, लेकिन फिर भी कंपेयर कर लेते हैं। 1 केजी ऑलिव ऑयल के लिए आपको 800 से 900 रुपये खर्च करने होंगे। लंदन में ये आपको आधे प्राइस में भी मिल सकता है। अब जरा दूध की भी बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में दूध का उत्पादन लगभग 843 मिलियन टन्स होता है, उसमें से अकेले इंडिया 183 मिलियन टन का प्रोडक्शन करता है, जो कि लगभग 20% होता है पूरे प्रोडक्शन का। है ना अमेजिंग? 1 लीटर अमूल गोल्ड फुल क्रीम का प्राइस 70 रुपये। लंदन में फुल क्रीम 1 लीटर के लिए आपको 57 रुपये देना होगा, 60 रुपये देना होगा। देखिए, 400 ग्राम ब्राउन ब्रेड का एमआरपी 40 रुपये,
इतने ही प्राइस में आप लंदन में भी ले सकते हो। 500 ग्राम पास्ता का एमआरपी तो 160 है, पर आप इसे 90 और 100 रुपए में भी ले सकते हो। लंदन में 500 ग्राम पास्ता आप आसानी से 40 से 50 रुपए में ले सकते हैं। साबुन भी बहुत जरूरी है, 100 ग्राम डब साबुन के लिए आपको 50 या उससे ऊपर देना होगा, जबकि लंदन में आपको लगभग 60 रुपए पे करना होगा। पेट्रोल की भी बात कर ले क्या, दिल्ली और लंदन में पेट्रोल का प्राइस भी लगभग बराबर है, पर इसे जाने देते हैं। अब मान लो आपने ये सारी चीजें इंडिया में खरीदा, तो आपने इसके लिए कितना पे किया, पूरे 1781 रुपया, और अगर आप ऑलिव ऑयल को छोड़ दें तो 956 रुपया। और यही आइटम मैंने भी यहां लंदन में लिया तो मुझे पड़ा सिर्फ 1447 रुपया, और अगर ऑलिव ऑयल को छोड़ दें तो मुझे पड़ा 1047 रुपया। ये लंदन इस फूड कंपटीशन में जीत गया। अब हो सकता है कि आप कहें कि लंदन सस्ता है या इंग्लैंड सस्ता है, तो नहीं, इंडिया थोड़ा महंगा हो गया है, वो भी खास करके खाने के मामले में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, ये जो 956 रुपए अभी आपने खर्च किए हैं, इसकी इंडिया में क्या हैसियत है, ये लेबर क्लास के 2 दिन की मजदूरी हो सकती है, रिक्शा पुलर के पूरे दिन की कमाई हो सकती है, आप अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं, असिस्टेंट लेवल के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के 1 दिन की सैलरी हो सकती है। अब लंदन में मैंने भी 1047 रुपए खर्चे किए हैं, तो उस 1047 की लंदन में क्या हैसियत है, नॉर्मल स्टाफ के 1 घंटे और 15 मिनट की कमाई हो सकती है बस, कैब या रिक्शा के 1 चक्कर का भाड़ा हो सकता है बस। दोस्त की तो बात छोड़ दीजिए, एक आदमी मुश्किल से 1 टाइम का खाना किसी रेस्टोरेंट में खा सकता है। तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि इंडिया में जो नॉर्मल फूड आइटम्स हैं उसके प्राइसेस का क्या हाल है। फूड सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हर देश और हर सरकार को फूड और सेफ्टी की गारंटी देनी चाहिए। अच्छा खाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये आपको तय करना है कि आपके शहर और राज्यों में खाने की चीजें और उसकी महंगाई को लेकर आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं। इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूके में भी गवर्नमेंट ने कोई तीर नहीं मारे हैं, तो जरूरत है ऐसे मुद्दों को आगे रखने की। हम आम आदमी भी अपनी पावर को बखूबी जानते हैं, बस जरूरत है सही वक्त पर उसका यूज करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।